खड़े हैं डेरवा बाजार की कुछ गलियों में और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इनके दिनचर्या कैसे व्यतीत होते हैं, और जिस प्रकार आपको बता दें कि ये पूरा इलाका प्रशासन के माध्यम से सीज कर दिया गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इनके दिनचर्या क्या होते हैं, किस प्रकार इनकी असुविधा सुविधा के रूप में कन्वर्ट होती है। हमारे साथ हमारे भाई साहब जी खड़े हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका नाम क्या है? संजीत मोदी। सर आपसे जानकारी चाहिए थी कि आपके दिनचर्या कैसे व्यतीत होते हैं और किस प्रकार आप इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? पूरी तरह हम लोग जो शासन प्रशासन निर्देश दे रहे हैं उसी उन्हीं के निर्देशों पे हम लोग चल रहे हैं। पूरा दिन हम लोग अपने घरों पे ही रहते हैं, यहीं सामने से ठेले से सब्जी फल 6 से 8 किराने की दुकान खुलती है, वहाँ सामान लेते हैं और पूरा दिन यहीं बस घर। आप अपने आसपास के लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? तो हम सबसे यही अपील करेंगे कि सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और राजा भैया की कृपा से हर मोहल्ला पूरा डेरवा सैनिटाइज हुआ है, दवा का छिड़काव, अभी परसों भी चेकिंग वाले आए थे और वो जो मशीन लेके आते हैं संक्रमणित वाली, वो सब टेस्ट करके गए, सब पॉजिटिव पाए गए, कोई निगेटिव नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डेरवा सील है आपको पता ही है। यदि किसी चीज को लेकर आपको असुविधा होती है तो आप किस माध्यम से उसको सुविधा में कन्वर्ट करते हैं? अब मजबूरी है कि किसी न किसी तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है और ये गली भी सील है। तो जो पॉजिटिव पाए गए हैं इससे आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं पूरा डेरवा सीज कर दिया गया है, तो आप डेरवा के स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे यही अपील करेंगे जब तक प्रशासन और केंद्र सरकार राज्य सरकार चाहती है तब तक हम लोग उसको उनके नियमों का पालन करें और अपने घरों में रहें। पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षित प्राणी होते हुए भी लॉकडाउन का पूर्णतः घर में रहकर पालन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने साथ के ही कुछ व्यक्तियों से इनका अनुरोध भी है कि वे अपने घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहकर ही इस लॉकडाउन जैसी महामारी, ये कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से जहां कर भी ये कैमरे या फिर हमारे चैनल के दर्शक जो भी देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि वो इसी भांति लॉकडाउन का पालन करें जिससे जल्द से जल्द हम आप इस महामारी से छुटकारा पा सकें। प्रेम मिश्रा, समाचार टुडे न्यूज चैनल, प्रतापगढ़।